कानून जुर्म और इंसाफ पर आधारित कहानियों का संग्रह। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगो कविकर्मणि। जान दे दूंगी या फिर उसकी जान ले लूंगी जो मेरा सुहाग छीनने की कोशिश कर रही है। कि अगर तुमने जसवंत का पीछा ना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लोगे तुम? मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर कातिल के हाथ में हथकड़ियां डालने का कानून है और मैं इसी कानूनी हक का इस्तेमाल करते हुए आपको तवायफ रानी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, यह है डॉक्टर सतीश का ऑफिस। अच्छा डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर सतीश के साथ इतने दिनों काम करते हुए आप उनके काफी करीब आ गए होंगे। आप बता सकते हैं कि वो कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन लेकिन क्या? उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, या ये कहिए कि हम उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाए। क्या मतलब? साहब मतलब यह कि शुरू शुरू में तो बहुत लगन से काम करते रहे, पूरा पूरा वक्त अस्पताल में रहते थे, लेकिन फिर क्या? और फिर कुछ दिनों के बाद वो हर रोज शाम को हॉस्पिटल से गायब रहने लगे। कभी कभी तो हमें उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ती थी। ये सब कब से होने लगा था? दरअसल जब से उस लड़की के फोन आने लग गए थे। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि फोन लड़की का ही था? क्योंकि कई बार मैंने ही फोन रिसीव करके उन्हें दिए थे। कौन थी वो लड़की? साहब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। फोन आने पर उनका रिएक्शन कैसे होता था? साहब शुरू शुरू में तो फोन आने पर उनका चेहरा खिल जाया करता था, लेकिन बाद में क्या? वो टेलीफोन लेने से इनकार कर दिया करते थे, और अगर गलती से कभी खुद वो फोन उठा लिया करते थे तो काफी भड़क भी जाया करते थे। फिर क्या, जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाना, नाराज हो जाना, कुछ उनकी आदत सी बन गई थी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि वो लड़की यहाँ पर भी आ चुकी है बुरके में। फिर तो आपने उसे अच्छी तरह से देखा होगा। नहीं जी, कहाँ देखा अच्छी तरह से, लेकिन ये जरूर अंदाजा हुआ कि वो लड़की अच्छी खासी खूबसूरत है। और उस लड़की को हम यहाँ पर देखकर समझ गए कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है, और उसके बाद से डॉक्टर साहब कुछ खोए खोए से रहने लगे। क्या बता सकते हैं इसकी वजह? बदनामी का डर। वो चाहते थे कि लड़की उनका पीछा छोड़ दे, और वो लड़की उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये हमारी फीलिंग है। हाँ जी हाँ हाँ। अच्छा 12 दिसंबर की कत्ल वाली रात भी फोन आया था? आया था साहब, जरूर आया था। हवलदार डॉक्टर साहब, क्या आप इस चाकू को पहचानते हैं? जी हाँ, डॉक्टर सतीश का एम्प्यूटेशन सर्जिकल नाइफ। आप कैसे जानते हैं कि
ये चाकू डॉक्टर सतीश का ही? डॉक्टर साहब अक्सर इससे ऑपरेशन करते थे और हम साथ में होते थे। अच्छा, ये चाकू अमूमन कहाँ रखा जाता था? उस ड्रॉर में। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ये देखिए, उस ड्रॉर में, इस डिब्बे में डालकर। डॉक्टर सतीश ने रानी रखा हूं, ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं यार, तुम जाओ आराम करो। तुम यहां बंदो और मैं घर जाकर आराम करूं, ये कैसे हो सकता है? आखिर बताओ तो सही, ये किस्सा क्या है? कहा ना कुछ नहीं, तुम आराम करो, जाओ प्लीज। देखो सतीश, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। जब हालात और सबूत कह रहे हैं कि कत्ल मैंने ही किया है तो मैंने ही किया है। तुम कुछ भी कहो सतीश, मैं ये नहीं मान सकता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, मैं तो मान रहा हूं ना। ओ मिस्टर जसवंत, आइए आइए बैठिए। जी मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताने आया हूं कि कल रात जो रानी राम की तबाइफ का कत्ल हुआ है वो मैंने किया है। अच्छा अच्छा, तो वो कत्ल आपने किया? जी हाँ, और जिसे आपने बंद कर रखा है वो बिल्कुल बेकसूर है। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर जसवंत, ये कत्ल आपने कैसे किया? जी अपने हाथों से, गला दबाकर। गला दबाकर? कब? कल रात को। कल रात को आपने ये कत्ल कितने बजे किया? जब मैं अपने जुर्म का एक बार कर रहा हूं तो कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं मुझसे? इसलिए कि किसी को भी कातिल साबित करने के लिए अदालत में सबूत पेश करने पड़ते हैं, और असल कातिल सबूत के साथ हमारी हिरासत में। मगर मैं जानता हूं डॉक्टर सतीश खन्ना आपके गहरे दोस्त हैं, और आप ही की वजह से उन्होंने इस समाज में इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। मगर अफसोस मिस्टर जसवंत, आपका इकबाल जुर्म भी उसे नहीं बचा सकता। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना, यह कुर्बानी काबिले तारीफ है, मगर यह जज्बा भी उसे नहीं बचा सकता। हम क्या करें, कानून के हाथों हम मजबूर हैं। एक और बात, आपको अभी तक झूठ बोलना नहीं आता। I don't believe it. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि डॉक्टर सतीश कत्ल भी कर सकता है, और वो भी एक तवायफ का। मेरी इन दो मुलाकातों में वो मुझे एक सीधा साधा और काम से काम रखने वाला आदमी लगा था। सर आपने तो सुना ही होगा, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। मिली फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। बिंदु यही विश्राम करता है सर, रियलाइज द पॉइंट। ये इश्क का चक्कर आदमी को घन चक्कर बना देता है। वैसे एक बात पक्की है सर, ये डॉक्टर सतीश बड़ा ही डफर आदमी निकला। वो कैसे पाशा? किसी को अपने चक्कू से मारने की क्या जरूरत थी सर? अगर मैं उसकी जगह होता पता है मैं क्या करता सर? क्या? मैं उस लड़की को कुछ दवाई खिला देता, वो बीमार पड़ जाती, फिर मेरे पास आती इलाज के लिए।
मैं उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाता और फिर खत्म कर देता सर। तब जब सब आए हैं। हाँ बुलाओ उन्हें अंदर। जीनियस। आओ जसवंत आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं मैं किस लिए आया हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोस्त डॉक्टर सतीश की डिफेंस के बारे में मुझसे बात करने आए हो। सतीश मेरे बचपन का दोस्त है, मैं नहीं जानता क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ, सतीश किसी का खून नहीं कर सकता। जसवंत, खुद मेरे ख्याल में भी वो किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बताओ वो कहता क्या है? यही तो सारी मुश्किल है यार, ना वो कुछ कहता है ना बोलता है ना ही कोई बयान देने को तैयार है। जसवंत, ऐसे में मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम उसका डिफेंस जरूर करोगे। जसवंत, जब वो खुद कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उसके लिए करूंगा क्या? भाई जो कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है उसके मुताबिक कोई भी वकील उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम फिर भी उसका केस लड़ोगे मेरी खातिर, पैसे की बिल्कुल परवाह मत करना, तुम्हें हर हाल में उसे बचाना है, प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये केस जरूर लड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पूछता हूं ये तू क्या कर रहा है सतीश? ये तो मैं आज भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं ये खून तूने नहीं किया, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आती, तू कुछ बोलता क्यों नहीं, तू चुप क्यों है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सतीश तुझे तो खुश होना चाहिए, विजय सक्सेना जैसा वकील तेरा केस लड़ रहा है, प्लीज प्लीज फॉर गॉड से प्लीज कोऑपरेट विद हिम, वो तुझे जरूर बचा लेगा। बार बार एक ही सवाल करके मेरी मौत को और मुश्किल मत बनाओ। इस केस के बारे में ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूं और ना ही कुछ सुनना चाहता हूं। मेरी खातिर भी नहीं? यार तेरी खातिर तो मैं जान भी देने को तैयार हूं। तो तुझे कसम है मेरे दोस्त की? कोई कसम नहीं, अगर तू वाकई मुझे अपना दोस्त समझता है तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। Proceed, Mr. Public Prosecutor. Your Honor, ऐसा क्लीन कट केस शायद ही अदालत में पहले कभी आया हो। मुलजिम सतीश खन्ना जो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है, गौर फरमाइए ऑनर, एक डॉक्टर जिसका काम है लोगों की जान बचाना, लेकिन यह आदमी लोगों की जान बचाने की बजाय खुद लोगों की जान लेता है योर ऑनर। इसलिए इस केस के बारे में ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के पास आलय कत्ल, कत्ल के मोटिव के अलावा खुद मुलजिम का एक बाले जुर्म मौजूद है। मुलजिम सतीश खन्ना, आपका कोई वकील? मेरा कोई वकील नहीं योर ऑनर, और मुझे किसी वकील की जरूरत भी नहीं है। अदालत कानून के तकाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कानून कहता है कि मुलजिम को अपनी सफाई के लिए वकील मिलना ही चाहिए। यदि किसी वजह से वो खुद वकील नहीं कर सकता तो स्टेट उसके लिए वकील मुकर्रर करेगी। इनका वकील है योर ऑनर। योर ऑनर, मुलजिम सतीश खन्ना का वकील मैं हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है तो क्यों मेरे सर पर वकील थोपा जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं इन्हें मेरा वकील किसने मुकर्रर किया है। योर ऑनर, इनके डिफेंस के लिए मुझे मिस्टर जसवंत ने अपॉइंट किया है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनकी जज्बाती बातों को नजरअंदाज करते हुए मेरा वकालतनामा कबूल किया जाए। योर ऑनर, इस असाइनमेंट को कबूल करके मुल्जिम के वकील के हैसियत से आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। इसलिए मैं इस अदालत से डिफेंस की तैयारी के लिए 15 दिन की मोहलत की दरख्वास्त करता हूं। टाइम ग्रांटेड। आई एम ओब्लाइज्ड योर ऑनर। थैंक यू। इस बार फंसा है मेरा यार चक्की के दो पाटों में। क्या मतलब सर? मतलब यह है इंस्पेक्टर शक्ति सिंह,
कि इस बार उसके पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे तो यह भी सुनने में आया कि डिफेंस का क्लाइंट भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। इस बार ना तो कोई उसकी काबिलियत चलने वाली है और ना ही कोई गिमिक। कहते तो आप ठीक हैं सर, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, उसका नाम है विजय सक्सेना। वो कब क्या अपनी झोली से कुछ निकाल दे कुछ पता नहीं। इस बार भी उसकी झोली में हवा के सिवा कुछ नहीं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, और वो भी मैं इस अदालत में सरका दूंगा। मिस्टर फ्लक सर, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप समझते क्यों नहीं है। मैं फिर भी आपसे बार बार यही पूछूंगा कि इतवार 12 दिसंबर की रात को हुआ क्या था। डॉक्टर सतीश, ये मेरी आपसे गुजारिश है, उस रात के पूरे वाकयात मुझे सच सच बता दीजिए। आपका वकील होने के नाते ये सब कुछ जानने में हक है। जब मुझे वकील चाहिए ही नहीं तो बार बार आप मुझ पर जोर क्यों डाल रहे हैं। डॉक्टर सतीश, क्या आप ये जानते हैं कि कोई बयान न देकर आप खुद यह साबित कर रहे हैं कि कातिल आप हैं। यह खुदकुशी है डॉक्टर सतीश, दिस इज सुसाइड। और इस तरह खामोश रहकर जान देने से आप अपने नोबल प्रोफेशन को दागदार बनाएंगे, अपने नाम पे धब्बा लगाएंगे और अपने दोस्त और अपने मोहसिन के नाम पर कीचड़ उछालेंगे। डॉक्टर सतीश, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आपका डिफेंस करूंगा कैसे। अगर आप मेरे हाथ पैर इस खामोशी की रस्सी से बांध देंगे तो मैं अदालत में आपका केस लड़ूंगा कैसे। देखिए मिस्टर विजय, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, आप बेकार में अपना सर एक पत्थर से टकरा रहे हैं। छोड़ दीजिए यह केस जिसमें यकीन ही आपकी हार है। आप एक डॉक्टर हैं, अगर आपसे कोई मरीज ये कहे कि मुझे मरने दीजिए तो क्या आप मर्सी किलिंग में उसका साथ देंगे, मरने देंगे उसे? नहीं ना। इसी तरह डॉक्टर सतीश, मैं एक वकील हूं और आप मेरी मदद करें या ना करें, मैं आपको यूं खुदकुशी करने नहीं दूंगा। देखिए मिस्टर विजय सक्सेना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ठीक है डॉक्टर सतीश, आप भी मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। मैंने आपका केस अपने हाथ में ले लिया है और पीछे हटना मेरी फितरत नहीं है। मैं जीत और हार की परवाह किए बगैर आपका केस लड़ूंगा, और अब यह आप पर है कि आप मेरा रास्ता आसान करते हैं या मुश्किल। सी यू। कील साहब, हम तो ये बात मान ही नहीं सकते कि डॉक्टर सतीश कत्ल कर सकते हैं, लेकिन मानना पड़ता है, मजबूरी है, हालात ही ऐसे हैं। एक बात बताइए जी, डॉक्टर सतीश किस टाइप के आदमी है? मेरा मतलब है उनका मरीजों के साथ बर्ताव कैसा है। बहुत ही अच्छे आदमी थे साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और उनका बर्ताव मरीजों के साथ तो बहुत ही बढ़िया था। इसका मतलब है कि उनकी दिमागी हालत को नॉर्मल कहा जा सकता है। नहीं नहीं, यहाँ पर एक गड़बड़ है वकील साहब। क्या मतलब? वकील साहब, बात कहते हो शर्म आती है। जब से उनका चक्कर उस तवायब से शुरू हुआ था ना, वो कुछ चिड़चिड़े से हो गए थे, बात बात पे गुस्से हो जाना, इरिटेट हो जाना, उनकी आदत सी बन गई थी। पहले पहले उस लड़की का फोन आने पर वो बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उस लड़की का फोन आने पर उनका पारा ही चढ़ जाता था। आपने इस बात से क्या अंदाजा लगाया? बड़ी सीधी सी बात है वकील साहब, ये तवायफ उनके गले पड़ गई थी, और उस स्कैंडल से बचने के लिए उसने उसे हमेशा के लिए गले से उतार दिया। ये हमारा अंदाजा है साहब। क्या आप दोनों के अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर सतीश इतने बेवकूफ आदमी हैं कि कत्ल के इरादे से जाते हुए वो वही खास चाकू लेकर गए, और कत्ल करने के बाद वही खास चाकू लाश की छाती में उतार कर छोड़ा है? वकील साहब, इसके बारे में भला हम क्या बता सकते हैं। ठीक कहा आपने, बस एक आखिरी सवाल पूछिए। आप दोनों के अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर सतीश की मुसलसल खामोशी का राज क्या है? उन्होंने ना अब तक कोई बयान दिया और ना ही वो अपनी सफाई के लिए कोई वकील करना चाहते हैं। बात बहुत साफ है वकील साहब, वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि हर गवाह हर सबूत उन्हें मुल्जिम ठहरा रहा है। क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे वो?
जिन हाथों से लोगों को जिंदगी दिया करते थे आज उन्हीं हाथों से जिंदगी ले ली। अपने दोस्त और अपने पेशे के नाम पर बदमा धब्बा बन चुके हैं वो, और अब खामोशी इख्तियार करके हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू टू। थैंक यू। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता के लिए जो भी किया है उसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस युग का लक्ष्मण जो भी अपनी भाभी के लिए कर रहा है वो शायद मुझे भागन के सिवा और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि तुमने इस युग में भी लक्ष्मण का दर्जा पा लिया है। अफसोस तो सिर्फ ये है कि हम दोनों ही राम और सीता ना बन पाए। अगर जुर्म ना होते तो ये कानून ना होता। अगर जुर्म ना होते तो ये कानून न होता। इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं।